Hi, welcome to Mimi Family. I'm really enjoying the show. I watch it from New York. Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है। एक्चुअली मैंने छोटी छोटी कितनी सारी क्लिप्स शूट की हैं मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स की, इंस्टाग्राम के लिए और टिकटॉक के लिए। और जो मैंने नई पिंक पैलेट ली थी जैकलिन हिल से, उसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और काफ़ी सारे शेड्स मैंने यूज़ किए हैं। आप कुछ सोच के मेकअप करना शुरू करते हैं पर एंड ऑफ द डे कुछ और ही कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। और मैंने मेरे बालों को धोया है और बहुत ज़्यादा वो फ्रेश एंड हेल्दी हैं, फिर भी मैंने उनको इतना टाइट बंद कर लिया क्योंकि ये जो इयररिंग्स हैं ये मैं ज़्यादा शो ऑफ करना चाहती थी, तो इसलिए फिर बाल अगर ज़्यादा लूज़ हों तो फिर इयररिंग्स नहीं दिखते हैं। मेकिंग सेंस? यस। और अगर आप जानना चाहते हैं ये इयररिंग्स मैंने कहाँ से लिए हैं, ये मुझे लगता है कि ईबे से लिए हैं। ईबे से मैं रैंडम चीज़ें ढूंढती रहती हूँ हेयर देयर, क्योंकि वहाँ पे मुझे कई बार बहुत अच्छे ज्वेलरी पीसेस मिल जाते हैं जो आपको एक दो बार पहनने होते हैं, लाइक आप सदियों तक नहीं रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये जो मैंने दुपट्टा लिया है ये एक्चुअली साड़ी है। ये बहुत समय से मैंने संभाल के रखी है। ये मेरी मम की साड़ी है उनकी शादी की। आई थिंक उनके भाई ने उनको शादी में ये तोहफे में दी थी। बहुत बार मेरा प्लान बनता है इसका कुछ बनाने का, लाइक कोई ड्रेस बनाने का या सूट बनाने का, पर फिर ये ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। इंडिया से मैं इसे ड्राई क्लीन करके लाई थी और अभी तक भी इस पर टैग लगा हुआ था, वो आज ही मैंने रिमूव किया है। सो यस, ये है साड़ी की कहानी। और मैं बैक बिहाइंड द सीन भी शूट कर रही हूँ मेरे ब्लॉग के लिए थोड़ा सा। सो या अब यहाँ से मुझे लगता है कि मैं डन हूँ। और या शूट करते समय हिम्मत की ब्रेक हो गई थी तो मैं नीचे चली गई थी हिम्मत को खिलाने के लिए। और जब मैं वापस आई उसके बाद मैं अपने कैमरे का माइक ऑन करना भूल गई और वो सारी फुटेज बिना आवाज़ के है। और ये जो मेकअप लुक मैंने शूट की है ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए है, यूट्यूब पे नहीं जाएगी। पर अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मुझे बताना, हम डिटेल में इसको दोबारा से बना लेंगे इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कौन सी लैशेज पहनी है, मैंने सिमॉर लैशेज की ऑजी स्टाइल पहनी है। वैसे मैं ज़्यादातर पंजाबी या लाहौर पहनती हूँ पर ये भी काफ़ी ग्लैम लग रहा है इस लुक के साथ। एक्चुअली लैशेज डिसाइड करती हैं कि आपकी लुक कैसी लग रही है, क्योंकि लैशेज ही डिसाइड करते हैं। अगर लाइट लैशेज पहनोगे तो लुक लाइट लगेगी, जब ड्रामेटिक पहनते हैं तो एकदम से ड्रामेटिक लगनी शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपका मेकअप ड्रामेटिक है तो आपको लैशेज भी ड्रामेटिक पहननी चाहिए। और एक्चुअली मैंने मेरे बालों को स्टाइल किया था तो स्ट्रेट कर लिया था। अब मैं सोच रही थी कि इनको थोड़ा वेव कर लेती हूँ, उसकी भी मुझे एक दो क्लिप्स शूट करनी है। सो मैं आपको मिलती हूँ डाउन स्टेयर इसके बाद। सो अभी मेरा वर्किंग समय चल रहा है, 2 बजने वाले हैं ऑलरेडी और आई थिंक मुझे 15-20 मिनट्स और लगेंगे, देन आई एम डन। सो आपको मिलूंगी मैं डाउन स्टेयर्स। ओके दोस्तों, तो ये है मेरा पिंक मेकअप। अब मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हंसेंगे तो नहीं? प्लीज़ आर यू श्योर? ये जो मैंने मेरी मम्मी की साड़ी पहनी थी वो मुझ पे लाइक छोटी है, लाइक उसकी लेंथ भी छोटी है और लंबाई की तरफ भी छोटी है। लाइक यहाँ मुझे बहुत नीचे बांधनी पड़ती है तब वो आएगी, क्योंकि मेरी मम्मी की हाइट मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम है। आई थिंक 5'3" या 5'2" है वो, मैं 5'7" हूँ। सो बहुत मुझे नीचे बांधनी पड़ती है। और मैंने अभी वो पहन के रखा है, दिखाऊंगी शो यू, लुक एट दैट। अगर मैं मेरी साड़ी को नॉर्मल तरीके से पहनूं तो ये इतनी है मुझ पे, इतनी ऊंची। मंगता है तो आ जा रस्तियां नाली तो मैं तो चली। ओके दोस्तों, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, 7:30 हुए हैं, हस्बैंड के आने का समय है ऑलमोस्ट। और हमारे यहाँ 4 वाले एरिए का हाल कैसा है? चीज़ें थोड़ी ड्राई हो रही है। आई थिंक हम कल इनको सॉल्ट एंड हल्दी लगा के रखेंगे ताकि पानी छोड़ दे। और अब मैं बनाने वाली हूँ डिनर।
डिनर में आज हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ बनाएंगे क्योंकि कितने दिन से हम उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं. और सबसे बेस्ट चीज़ है, आप गैस करें, मूंगी की दाल, मूंगी मसरा की दाल बनाएंगे हम. एंड इस एरिया को क्लीन करेंगे, देन शायद चाय पियेंगे. एंड हिम्मत पॉपकॉर्न खाने वाला है और किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस है, मैं किचन को क्लीन करने वाली हूँ. एंड उसके बाद मैं कुक करूँगी. एंड आज मैंने अब अपने मेकअप रूम को काफ़ी समय स्पेंड करके क्लीन करके आई हूँ. और इन्हें नखरे करन दे कि ये बच्चों वाला है, मैं नहीं पालना. देखो कितने प्यारे लगन दे, आप बताना कि अच्छा लग रहा है या नहीं. मेरे पति की ये बुरी आदत है, जब भी उनको कोई तोहफा दो हमेशा नुक्स निकालते हैं. ये सोने लगन दे, बहू लगन दे, बहू जेड़े ओते बहू बच्चा नु डराण वाला मैं लगन दे बहू. नहीं नहीं, ओ वाला बहू जेड़ा दफ्तर बहू भी नहीं होता. एडिट कर रही हूँ और उसके बाद मैं कुक करने वाली हूँ. दाल ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, तड़का लगाऊंगी और देन हम सिंपल फुलके खाएंगे क्योंकि कुछ दिन के बाद दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बहुत कहते हैं डिटॉक्स हो जाता दाल ना, है ना. दाल इज अ गुड डिटॉक्स फूड. और मूँगी मसरा की दाल स्पेशली जब भी मैं बात करती हूँ पति. ओके दोस्तों, तो अब मैं जल्दी से तड़का लगाने वाली हूँ और फिर हम फुलके खा लेंगे. 6:35 ऑलरेडी हो चुका है. यूजुअली हम यहाँ पे डिनर कर लेते हैं पर हस्बैंड ने आते ही चाय पीनी थी तो नहीं किया है. और अचार का अपडेट क्या है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि इसकी रेसिपी की वीडियो अलग से शूट कर लूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ मेरे कुकिंग चैनल पर. और प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ जो रेसिपीज़ हम ऑलमोस्ट हमेशा यूज़ करते रहते हैं उनको शूट करके कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दूँ ताकि आपको आसान हो पाए. क्योंकि व्लॉग्स में यू नो जब मैं कुकिंग टिप्स शेयर करती रहती हूँ तो आपको ढूंढना पड़ता है. सो रेसिपी की वीडियो का क्या होता है कि आपको मुद्दे की बातें सुनने को मिलती है. सो यह वो कोशिश करने वाली हूँ मैं. अब जो भी रेसिपीज़ की आपने रिक्वेस्ट की है, जब भी मैं वो बनाऊँगी, स्पेशली बनाने वाली हूँ मैं, जब भी वो मैं बनाऊँगी तो मेरी कोशिश होने वाली है कि कुकिंग उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दूँ. सो यस, दैट्स अपडेट. अब जल्दी से तड़का लगाते हैं. मूँगी मसरा की दाल का तड़का बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है. थोड़ा सा प्याज, जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्ची एंड टमाटर ऐड करूँगी मैं, बहुत ही हल्का फुल्का, एंड धनिया, दैट्स इट. सो क्विकली ये प्रोसेस को ख़त्म करते हैं देन हम रोटी खाएंगे. ओके, ये जो मेरा अमाम दस्ता है बहुत मज़ेदार था पर ये टूट गया आज यहाँ से. मुझे नया लेना पड़ेगा. सो आज हैंडी आया, ये लकड़ी वाला बहुत पुराना जो आई थिंक मेरी मम लेके आई थी. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead, I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I prayed to watch you stand up there and gave you all the power.
say she's a work of art. You pick her up from school, but she blows you off. Don't you know you're all I want? I saw you out in Hollywood, so we drove to Laurel Canyon. I gave you all of my spare time and you just couldn't. All right, प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें. मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें. इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं. और आप मुझे इंट्रो की वीडियो भेज सकते हैं अपनी, अगर आप मेरे व्लॉग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो. किसी भी सोशल मीडिया पर सेंड कर दें. आपकी वीडियोस मेरे व्लॉग को शुरू करती हैं तो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वे आईज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय लल. Tradition we celebrate.